हे गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि वन प्लस 11 स्मार्टफोन जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है, अब बारी है वन प्लस नोट सीरीज की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये नोट सीरीज आने वाली है, नोट 3 स्मार्टफोन आने वाला है, ये इंडिया में कब तक आ सकता है और साथ साथ क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले, क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिए लाइक। सो अगर डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल सकता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ साथ इसमें आपको एचडीआर 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। कैमरा की बात करें तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। जो आपका प्राइमरी कैमरा है वो आपको या तो 50 मेगापिक्सल का या फिर 200 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। 200 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने रेडमी की सीरीज में देखा होगा 200 का स्मार्टफोन 200 का कैमरा देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। बात करें प्रोसेसर की तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि 5G चिपसेट है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। साथ साथ अलर्ट स्लाइडर भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ इसकी प्राइस रह सकती है, तो बताया जा रहा है कि 30,000 के अराउंड इसकी जो प्राइस है बेस वेरियंट की वो रह सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कभी लॉन्च हो सकता है, तो ये आपको फरवरी मार्च में देखने को मिल सकता है। इन दो महीनों में ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च होता है दिख सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।